वित्त विहीन विद्यालय प्रबंध महासभा ने जिलाधिकारी रविंद्र सिंह को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। यूडाइस पर नवीन छात्रों का डाटा एंट्री नहीं हो रहा है। सभी छात्रों के लिए एक बार ब्लड ग्रुप अनिवार्य किया गया है, जो कि बच्चों के पास नहीं है। स्कूल में स्वास्थ्य कैंप लगवाकर समस्या का समाधान करने की मांग की। साथ ही छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर है, लेकिन साइट में तकनीकी समस्याओं के कारण विद्यार्थी अपना छात्रवृत्ति आवेदन संपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा साइट में तकनीक समस्या का समाधान करने की मांग की गई। आपका नाम? रामपाल सिंह जांगड़ा। आप लोग यहाँ पे प्रार्थना पत्र देने आए, क्या पूरा मामला है? समस्याएं छात्रों और विद्यालयों से संबंधित है। आप लोगों को ज्ञात होगा, अभी कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति दी जाती है, पूर्व दशम और दशमोत्तर दोनों ही। छात्रवृत्ति की साइट पर तारीख अंतिम तिथि जो है 10 नवंबर है, लेकिन साइट न चलने के कारण आज तक एक भी बच्चे का फॉर्म नहीं भरा गया, केवल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हम कई बार डीएस साहब से और आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से और समाज कल्याण अधिकारी से मिल चुके हैं, लिखित में भी दे चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपकी क्या मांग है? तो हमारी मांग है कि साइट को अविलंब चलाया जाए। दूसरी चीज़, यूडाइस पर प्रत्येक बच्चे का इस बार जो डाटाबेस तैयार हो रहा है, जिसमें बच्चे को पैन नंबर मिलेगा, परमानेंट एजुकेशन नंबर जो पिछले साल को मिल चुका है, उनका भी और नए का भी, वो भी काम नहीं कर रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। और जो उसमें हो रहा है, उसमें एक ब्लड ग्रुप की मांग की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में तो किसी के पास है ही नहीं, सारी क्षेत्र में बच्चों का ब्लड ग्रुप ज्ञात नहीं है। इसलिए हमने डीएम महोदय से मांग की है कि जब हम रेड क्रॉस का पैसा देते हैं तो विद्यालयों में कैंप लगाकर बच्चों के ब्लड ग्रुप चेक कराए जाएँ, ताकि हम उसको यूडाइस पर भर सकें।